नमस्कार दोस्तों, मैं आया हूं उत्तराखंड और यहां पे आज मैं आया हूं धारी देवी मंदिर। ये बना हुआ है अलकनंदा रिवर के ऊपर, ये देख सकते हैं आप, रिवर के बीचों बीच में ये बना हुआ है मंदिर, धारी देवी मंदिर। ये देख लीजिए, ये है अलकनंदा रिवर, ये देख सकते हैं पूरी। इधर से मैं आपको दिखाऊँ तो इधर भी ये है, यहाँ पे अलकनंदा रिवर, ये देखिए ये अलकनंदा रिवर है। धारी देवी भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। मंदिर में देवी धारी की मूर्ति का ऊपरी आधा भाग स्थित है, जबकि मूर्ति का निचला आधा हिस्सा काली मठ में स्थित है, जहां उन्हें देवी काली के रूप में पूजा जाता है। मंदिर तक जाने के लिए आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा और इसके अलावा आपको यहां पे घोड़े भी मिल जाते हैं। जैसे भी आप जाना चाहें, पैदल या फिर घोड़े से आप जा सकते हैं। माता धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षक देवी माना जाता है और उन्हें चार धामों के रक्षक के रूप में भी माना जाता है। उनका मंदिर भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित यह मंदिर देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, जो कि पहाड़ियों के बीच नदी के ऊपर स्थित है। मंदिर के ट्रैक में आपको पूजा से संबंधित सारी सामग्री यहीं पे मिल जाएगी। आप आसानी से इसको यहीं पे खरीद सकते हैं और फिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। 16 जून 2013 को अलकनंदा हाइड्रो पावर द्वारा निर्मित 330 मेगावाट अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध के निर्माण के लिए देवी के मूल मंदिर को हटा दिया गया था और अलकनंदा नदी से लगभग 611 मीटर की ऊंचाई पर कंक्रीट के मंच पर स्थानांतरित कर दिया गया था। संयोग से मूर्ति को स्थानांतरित करने के घंटों बाद इस क्षेत्र को 2004 की सुनामी के बाद से देश की सबसे खराब प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना करना पड़ा। 2013 की उत्तर भारत की बाढ़ एक बहुदिवसीय बादल फटने के कारण हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन पूरे तीर्थ शहर को धो डाला और सैकड़ों लोगों की जान ले ली। स्थानीय लोगों और भक्तों का मानना है कि उत्तराखंड को देवी के क्रोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें उनके मूल स्थान से 330 मेगावाट की पनबिजली परियोजना के लिए स्थानांतरित किया गया था, जो बाढ़ के बाद खंडर हो गई थी। इसके बाद मंदिर को अपने मूल निवास पर वापस बना दिया गया था। लोगों का मानना है कि धारी माता की मूर्ति एक दिन में 3 बार अपना रूप बदलती हैं, पहले एक लड़की, फिर महिला और अंत में बूढ़ी महिला का। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर के चारों तरफ की रेलिंग में बहुत सारी घंटियाँ बांधी गई हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर की बनावट कितनी सुंदर है और ये घंटियाँ बहुत सारी यहाँ पे लगाई गई हैं और यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आप जब भी उत्तराखंड आएँ तो धारी देवी मंदिर ज़रूर जाएं दर्शन के लिए। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर नज़ारा यहाँ पे देखने में लग रहा है और यहाँ पे बहुत ही ठंडी हवा चलती है, क्योंकि ये मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच में स्थित है और सामने बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ी हैं। ये देख सकते हैं बनावट जो है मंदिर की बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई है, जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे आप देखिए, इधर मैं मंदिर के बाहर की तरफ से आपको दिखा रहा हूँ नदी का नज़ारा और ये पूरा मंदिर आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं धारी देवी मंदिर और ये उत्तराखंड में स्थित है और ये अलकनंदा रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये देख लीजिए आप, ये है अलकनंदा रिवर, देख लीजिए चारों तरफ से अलकनंदा रिवर है, बीच में ये मंदिर बना हुआ है धारी देवी मंदिर, बहुत ही बढ़िया मंदिर है और ये मंदिर जो है ना चारों धाम का रक्षक बना जाता है। ये देखिए चारों तरफ से अलकनंदा रिवर है, ये देखिए। यहाँ पे हम मंदिर से नीचे उतरकर आ गए हैं, ये आपको सामने प्रवेश द्वार दिख रहा है। अब हम लोग मंदिर से बाहर आ गए हैं। मंदिर के अंदर की वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि वीडियो बनाना मना होता है, इसीलिए मैं आपको बाहर का नज़ारा ही दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारी घंटियाँ लाइन से लगाई गई हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं, ये देख लीजिए। और यहाँ पे मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा कुछ इस तरह का लगता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन के लिए।
अब मैं मंदिर के बाहर आ चुका हूँ और मैं अभी इस समय एक हैंगिंग ब्रिज पे खड़ा हूँ जो मंदिर के एकदम पास में बना है। इस हैंगिंग ब्रिज से मंदिर का पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। पूरा मंदिर नदी के ऊपर स्थित है और ये बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ और ये देख सकते हैं, ये है हैंगिंग ब्रिज। ये लोहे का एक हैंगिंग ब्रिज है, ये भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसके ऊपर जाके मंदिर का पूरा नज़ारा बाहर से ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये एक ब्रिज है, झूलने वाला ब्रिज है, इसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है धारी देवी मंदिर। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। ये देखिए आप, ये मंदिर अलकनंदा रिवर के ऊपर बना हुआ है, बीचों बीच में बना हुआ है। आने के लिए रास्ता वहाँ देखिए ऊपर से दिया गया है, वहाँ पे रोड है उधर, और ऐसे आपको आना है। ये थोड़ा सा ट्रैक है, पैदल ट्रैक है, ऐसे करके आप आ सकते हैं। इस पर घोड़े भी चल रहे हैं और यहाँ से देखिए ये रास्ता गया है और यहाँ पे ये है मंदिर। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।